Salam hello good morning everyone welcome back to my channel तो आज के मेरे जो ब्लॉग का स्टार्ट है वो एक गरम गरम चाय के कप के साथ हो रहा है और एक क्वेश्चन ये डिनर सेट कहाँ से लिया था मैंने तो जो लोग गल्फ़ में रहते हैं वो लोग रेड टैग से जाके शायद इसको ढूंढ सकते हैं शायद उनको अब मिल जाए दो साल पहले मैंने ये रेड टैग से लिया था और अब का मुझे पता नहीं कि अवेलेबल होगा कि नहीं होगा और जिन लोगों ने रिसेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो वेरी मच गाइज़ आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत पसंद किया और बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स आए हैं तो उनका मैं रिप्लाई इनशाला आज सबको करूँगी क्योंकि आज मैं बहुत फ्री हूँ और आज का मेरी जो मेन काम है वो है आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करना अभी चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ वॉशिंग एरिया में और अभी टाइम है कपड़ों को वॉशिंग पे डालने का जब तक घर के बाकी काम होते हैं लॉन्ड्री भी कंप्लीट हो जाती है क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन टेक सो मच टाइम एक से डेढ़ घंटा लग जाता है कपड़े वॉश होने में तो अभी मैं सबसे पहले जो मुझे एक और क्वेश्चन याद आया वॉशिंग मशीन देख के कि मेरी मशीन कौन से ब्रांड की है सैमसंग की है कितने के जी की है एलेवन के जी की है तो मैं ये ने आपको यह बता दिया है एलेवन के जी की है सैमसंग की है और एलेवन के जी जो कपड़े होते हैं वो कपड़े विद वाटर वेट काउंट किया जाता है ऑटोमेटिक मशीन में और अभी मैं अपने कपड़े के हस्बैंड के कपड़े सॉरी वॉश पे डालने लगी हूँ और uh, मैं कपड़े की एक टिप काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ एक दफ़ा फिर कर देती तो हूँ जब भी आप कपड़े डालें पहले हल्के से नीम गर्म पानी में आप चार से पाँच मिनट के लिए कपड़ों को वॉश पर डालें उसमें यह होता है जो भी डस्ट जो भी स्वेट होता है कोई uh, कोई दाग लगा रह जाता है कपड़ों पर वो सब पहले वॉश में चार से पाँच मिनट में वॉश होते हैं कपड़े फिर उनके पानी को आप ड्रेन आउट कर दें जितना पसीना डस्ट छुपी होती है वो कपड़ों में से फर्स्ट वॉश में निकल जाती है तो मैं इसी तरह करती हूँ कि पहले मैंने इसको सिंगल वॉश पर डाला है छः मिनट दस मिनट के लिए पाँच मिनट मशीन ने लिए है पानी डालने के लिए उसके बाद मैं इसको नीम गर्म पानी में यूज़ कर रही हूँ हीटर ऑन है मेरा और साथ में जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा फिफ्टीन मिनट्स के बाद पानी को ड्रेन आउट करूँगी उसके बाद इसमें मैं सर्फ़ डाल दूँगी और जो भी मुझे डालना होता है वो मैं डालूँगी तो मैं सर्फ़ यूज़ करती हूँ पर्सल का पर्सिल का मैं सर्फ डालूँगी एक बड़ा वाला स्कूप भर कर साथ में वनिश डाल देती हूँ कि कोई ना कोई स्टेन लग जाता है मेरे हस्बैंड की जीन्स को यूजुअली या शर्ट पे कुछ कुछ स्टेन रह जाता है कोई ना कोई उसके वॉश के लिए वैनिश डाल देती हूँ और बाद में मैं, मैं डालती हूँ डाउनी का एक कप फुल भर कर क्योंकि ये जो लिक्विड होता है ये यूज़ होता है जब रिंस करती है मशीन तब ये लिक्विड यूज़ होता है ताकि कपड़ों से बहुत अच्छी स्मेल आए तो इस तरह ये प्रोसीजर पूरा हो जाता है कपड़ों का जैसे मैं धोती हूँ सो दिस इज हाउ आई डू आप बस इसको लगाते हैं वॉश पे और चलते हैं दूसरे काम की तरफ मेरा सरप्राइज़ और सरप्राइज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ चिकन दम बिरयानी की रेसिपी क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मुझे जितने टाइप्स की बिरयानी बनानी आती है वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन दम बिरयानी की इसमें सारे घर के मसाले यूज़ होंगे कोई डिब्बे का मसाला यूज़ नहीं होगा Uh, सब कुछ होम मेड ही यूज़ होगा और ये इसकी रेसिपी बहुत डिफरेंट है और ये बहुत मज़े की बनती है आई होप आपको पसंद आएगी तो अभी मैंने हाफ कप ऑयल लिया उसमें मैंने एक फुल चिकन डाल दी uh, वन के जी की उसके बाद इसमें मैंने अदरक लहसुन और ग्रीन चिली इसकी जो ए, पेस्ट है वो डाल दी है दो चम्मच बड़े वाले भरकर और इसमें जो स्पाइसेस डालें जाएंगे वो है जिस सॉल्ट जाएगा वन टेबल स्पून हाफ टेबल स्पून जाएगा रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून ही जाएगा गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून ही जाएगा इसमें रेड क्रॉस चिल्लीज़ और हा वन टी स्पून जाएगा इसमें ज़ीरा और वन क्वार्टर टी स्पून जाएगी इसमें दालचीनी का पाउडर ये सारे स्पाइस अभी मैं चिकन के अंदर डाल दूँगी और उसके बाद जो इसमें दूसरी चीज़ जाएगी वो है दही और दही आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना सिर्फ दो टेबल स्पून भरकर आपने डालने हैं दो से तीन टेबल स्पून भरकर आप इसमें दही डालेंगे और उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी चार से पाँच टमाटर बड़े साइज के थिल्ली स्लाइस कर कर वो मैं ऐड कर दूँगी और ये मसाला हमने रेडी करना है बिरयानी के लिए चावलों के लिए तो सबसे पहले मैं ये करूँगी कि सारे स्पाइसेस डालने के बाद अच्छे से इनको मिक्स करूँगी कोई इसकी भुनाई नहीं करनी कोई इसको पहले चिकन को फ्राई नहीं करना सब कुछ आपने एक साथ डाल देना है और एक साथ आपने हल्का सा इसको मिक्स करने के बाद आप इसको पकने के लिए छोड़ देंगे चिकन अपना पानी छोड़ेगी अदरक लहसुन टमाटर और दही का पानी निकलेगा उसके अंदर ही ये चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी जितनी हमें चाहिए उतनी कुक हो जाएगी और फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं क्योंकि ये जो बिरयानी है इसमें चावल ऊपर से जाएंगे जो कि आधे आधे से ज़्यादा कच्चे होंगे तो वह इस चिकन के स्टीम वाले पानी से ही वो राइस अच्छे से पक जाएंगे तो भी मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है सब चिकन को अब मैं इसको कवर कर कर छोड़ दूँगी बीस से पच्चीस मिनट के लिए ये अपने ही पानी में चिकन हो जाएगी तैयार और बहुत मज़े की ये बिरयानी बनती है गाइस बहुत टेस्टी बनती है थोड़ा सा लेंथी है इसका प्रोसीजर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन ट्रस्ट में गाइस आप लोगों को ये बिरयानी बहुत पसंद आएगी बहुत बहुत बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा तो बस अभी जैसे ही ये थोड़ा सा चिकन पकने को आया है अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए दूसरी साइड पर मैंने पानी लिया है चावलों के लिए जिसमें मैं डालूँगी तेज़ और साथ में मैं डालूँगी वन टेबल स्पून भरकर ज़ीरा और जितने ग्लास आप चावल लेंगे उतने ही आप चम्मच लेंगे सॉल्ट के तो तीन गिलास मैं चावल ले रही हूँ उसमें मैं लेवल करके तीन चम्मच ही डाल दूँगी सॉल्ट के और इस पानी को पकने के लिए छोड़ दी छोड़ दूँगी इस स्टेज पे जब पानी अच्छे से उसमें बॉईल आ जाएगा तो इसमें हम राइस ऐड कर देंगे और राइस को आपने आधे से ज़्यादा कच्चा रखना है हमेशा मैं आपको बोलती हूँ आधे कच्चे आधे पक्के लेकिन इस बिरयानी में आप आधे से ज़्यादा कच्चे रखेंगे चावल और ये देखें चिकन हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है इसका पानी निकल आया है थोड़ा सा हाफ कप के करीब पानी मैंने भी डाला था और इस स्टेज पे इसको मैं बड़े पॉट में डाल दूंगी चिकन को दूसरी साइड पे आप लोगों ने ये लेने हैं सारे मसाले जिसमें जाएगा धनिया जाएगा पुदीना जाएगा चार से पांच हरी मिर्चें जाएंगी, दो से तीन टमाटर जाएंगे, थिनली स्लाइस्ड दो मैंने लेमन लिए हैं वो भी मैंने बारीक बारीक उनको काट लिया है अब इस सारे जो हम लोगों ने ड्राई लिए हैं धनिया पुदीना हरी मिर्चें लिए हैं इसमें मैंने डालना है गरम मसाला चाट मसाला ज़ीरा पाउडर रेड चिली पाउडर साथ में थोड़ा सा सॉल्ट और दो से तीन लौंगे डाली हैं थोड़ी सी काल, आ, काली मिर्चें डाल दी हैं और इसको इस पूरे मसाले में मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब ये जो मैंने मसाला रेडी किया है उसके साथ मैं दूसरी एक चीज़ रेडी करूँगी जो कि है दही के अंदर हम डालेंगे ऑरेंज रेड फूड कलर और इस बिरयानी में ऑरेंज कलर ज़्यादा अच्छा लगता है राइस में अगर आपके पास येलो है आप येलो डाल लें ज़रान है तो ज़रान डाल लें इसको मैं दो से तीन टेबलस्पून दही में लेके अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसमें आप के केवरा वाटर भी डाल सकते हैं मेरे पास नहीं है अभी बिरयानी एसेंस है तो वो डाल दें केवरा एसेंस है तो वो डाल दें जो भी अवेलेबल है तो अब हम इसकी करेंगे लेयरिंग और लेयरिंग इसमें होगी सिर्फ दो सबसे पहले वो जो चिकन थी उसको मैंने स्मॉल पॉट से ट्रांसफ़र कर दिया है बड़े पॉट में ताकि मैं अच्छे से बिरयानी को लगा सकूं दम लगा सकूं राइस मेरे हाफ़ डन हो चुके हैं अभी मैं इनका पानी ड्रेन आउट कर दूंगी और ये पानी आपने ज़ाया नहीं करना ये पानी आपने अलग से रख लेना ये ऊपर से हम लोग इसको स्प्रिंकल करेंगे तो अब देख सकते हैं चिकन को मैंने बड़े पॉट में डाल दिया है और इसमें पानी है अच्छा खासा अब इसमें जाएंगे जो वो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए थे लेमन आ, हरी मिर्ची और जो दीन धनिया पुदीना उसको मैं इसके ऊपर डालूंगी फिर इसके ऊपर जाएगा दही और वो फूड कलर वाला मिक्सचर जाएगा उसको मैं हल्की हल्की कहीं कहीं पे उसको मैं डाल दूँगी और फिर उसके ऊपर लेयरिंग होगी राइस की तो इस तरह हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर इस पर राइस डालेंगे एंड पे मैं इसमें चावलों के ऊपर डाल दूँगी ढेर सारा पानी जो हमने पानी का चावलों का पानी ड्रेन आउट किया था उसी पानी को हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे ताकि जो कि आधे से ज़्यादा कच्चे और पक्के चावल हैं ये फिर उस पानी के ऊपर से भी इन्हें स्टीम मिलेगी और नीचे चिकन के पानी से भी स्टीम मिलेगी और ये आपकी दम बिरयानी रेडी हो जाएगी पच्चीस मिनट आपने इसको दम देना है पाँच मिनट फुल आपने तेज़ आँच पर इसको रखना है पाँच मिनट के लिए जैसे इसमें भाप बन जाए स्टीम इकट्ठी हो जाए फिर आप इसको ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स के लिए आप इसको हल्की सी फ्लेम पे छोड़ देंगे और ये मेरी रेडी रेडी हो गई है बिरयानी अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ट्रस्ट में इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती आई होप आपको ये बिरयानी पसंद आएगी बहुत टेस्टी बहुत यमी बनती है अब देखें चावल अच्छे से पक चुके हैं एक, एक दाना अलग है और चावल मैं यूज़ कर रही हूँ ज़ाफ़रान ब्रांड का अगर आपके कंट्री में अवेलेबल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं गफ़ में ये इजीली अवेलेबल है और अच्छे तरह से मैं सारे मसाले को चावलों में मिक्स कर लूँगी और ये हमारी बिरयानी गर्मा गर्म बिरयानी होगी रेडी अब टाइम है इसको प्लेटिंग करने का इसका और इसकी फाइनल लुक दिखाने का आपको था और जुम्मे को खाना खाने के बाद हम लोग दोपहर में सो जाते हैं और अभी हम लोग उठे हैं चाय पी और निकल पड़े हैं जो बहुत जरूरी करके काम होते हैं वो करने के लिए आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को सरप्राइज़ दिया है और जो लोग बहुत ज़्यादा फरमाइश करते हैं बिरयानी की वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आई होप आपको ये सरप्राइज अच्छा लगा होगा मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एक एक स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आपको एक्सप्लेन कर दूँ कोई स्टेप मिस ना हो आई होप आपको बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी होगी और जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी उन लोगों की रिक्वेस्ट मैंने आज पूरी कर दी है तो जिन लोगों ने आज मुझे पहली बार देखा है मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो हमेशा अपना प्यार शो करते हैं कमेंट सेक्शन में आज भी अपना कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी ब्लॉग कैसा लगा और मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आई एल सी यू अनटिन नेक्स्ट ब्लॉग टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़